नमस्कार दोस्तों, क्या कोई भी नागरिक हथियार खरीद सकता है? क्या AK-47 राइफल का भी लाइसेंस बनता है? अगर आप AK-47 राइफल घर में रखते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको क्या सजा मिलेगी? इसके अलावा अपने भारत देश में हथियार रखने पर क्या है नियम और कानून, और आप अपने घर में कौन कौन से हथियार रख सकते हैं? दोस्तों, ये सब कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर इंसान अपनी सुरक्षा करना चाहता है। कई लोग तो अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक, रिवाल्वर या फिर पिस्टल रखना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि आखिर बंदूक या रिवाल्वर का लाइसेंस कैसे मिलता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये बता दूं कि भारत में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आर्म एक्ट 1959 के तहत अपनी सुरक्षा के लिए हथियार ले सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम है, जिसमें सबसे पहला नियम यह है कि लाइसेंस हासिल करने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक की उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। भारत में किसी भी नागरिक को हथियार रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जो जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए जाते हैं। लाइसेंस लेने के लिए आपको जिला प्रशासन के पास एप्लीकेशन जमा करना होता है, जिसके लिए कई राज्यों में प्रक्रिया अब ऑनलाइन भी हो चुकी है। वहीं आप ऑफलाइन भी जिसे जमा कर सकते हैं। आप जब हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन देते हैं तो आपको उसमें बताना होता है कि आप कौन सा हथियार ले रहे हैं। आपने जो भी हथियार बताया होगा, आपको सिर्फ वही हथियार दिया जाता है और उसी को रखने की परमिशन होती है। इन हथियारों में जैसे पिस्टल, रिवाल्वर, एक नाली या फिर दो नाली और राइफल, केवल इन्हीं हथियारों को लिया जा सकता है। इसके अलावा आप 38 बोर और 9mm और 303 जैसे हथियार नहीं ले सकते। दोस्तों, सरकार किसी भी व्यक्ति को आत्मरक्षा के लिए बंदूक का लाइसेंस देती है। दोस्तों, हथियार का लाइसेंस कैसे बनता है, इसके लिए मैंने एक फुल वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, कई हथियार ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा बलों के जवान ही कर सकते हैं। AK-47 जैसे हथियार और विस्फोटक सामग्री समेत तोप का लाइसेंस किसी भी आम इंसान को नहीं दिया जाता। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि अगर गलती से भी आपके घर में AK-47 राइफल पकड़ी जाती है तो इसमें आपको 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। वहीं बिना लाइसेंस के हथियार रखना कानूनन जुर्म है, जिसके लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। दोस्तों, चलते चलते ये भी बताते चले कि बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिन्हें अभी हाल में ही पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। दोस्तों, ये मामला 2019 का था, जब अनंत सिंह के घर से AK-47 राइफल, ग्रेनेड और कारतूस बरामद हुए थे। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।